महानगर निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच हम आ चुके हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर उम्मीदवार आबिद अख्तर साहब से। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। तैयारी कैसे चल रही है निकाय चुनाव की? तैयारी बढ़िया चल रही है, चल रही है। हम चुनाव लड़ रहे हैं मजबूती से। मजबूती से लड़ रहे हैं जी, मजबूती चुनाव लड़ रहे हैं। किन किन मुद्दों पर निकाय चुनाव में आप यह चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर मुद्दों की राजनीति हो रही है, निकाय चुनाव स्थानीय मुद्दों को लेकर, स्थानीय जरूरतों को लेकर लड़ी जाती है, न कि पार्टी के सिंबल और पार्टी के मुद्दों से। नहीं, यहाँ पर तो एक बात मैं अभी करेक्शन कर दूंगी, यहाँ पर ज्यादातर इलेक्शन पार्टी के सिंबल से ही हुआ है। बीच में एक बार समाजवादी पार्टी ने 2012 में फ्री फाइट छोड़ दी थी, उसमें कोई साइना सजमा मैम जीती थी वो, और उसके बाद से राणा खातून भी सिंबल से जीती थी, उसके बाद फिर अरशद जमाल साहब जीते थे सिंबल से, फिर उसका तैयब पालकी साहब जीते थे सिंबल से, साइना अरशद जमाल वही एक फ्री फाइट हुई थी, समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, फिर उसके बाद फिर तैयब पालकी साहब वर्तमान जो बसपा से वो जीते थे। इतने 5 इलेक्शन का मुझको याद है, ओवरऑल उसमें सिर्फ एक नहीं है। मुद्दों की बात की जाए, स्थानीय जरूरतों की बात की जाए, तो उस बीच आपके ऊपर लगातार विरोधी जो नेता हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो लगातार आपको आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो गैर राजनीतिक चेहरा है, गैर राजनीतिक चेहरा जिसके के सामने आया है। आपको क्या लगता है कि गैर राजनीतिक चेहरा होना क्या सही है, या फिर वो सब अनाप शनाप बोलते रहते हैं, उनको बोलने दीजिए, हम लोग अपना काम किया जाएगा। हम लोग बात शिक्षा की करेंगे, डेवलपमेंट की करेंगे और अच्छे माहौल की करेंगे, हमारे और आपके बच्चों का भविष्य कैसा हो उसकी बात करेंगे, ये ना कि हमारा अपना कैसा हो जाए उसकी बात नहीं करेंगे। मुकाबला किससे मानते हैं? गांव में बसपा से अशोक को या फिर बीजेपी से अजय? नहीं, मुझको तो लगता है कि बीजेपी ही हमसे हमारी इससे बीजेपी से ही लड़ाई है, और बसपा तो यहाँ से कंटेस्ट ही नहीं कर पाएगी, वो चुनाव लड़ने के बाद वो खड़ा भी नहीं कर पाएगी, इसलिए कि बसपा का जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, लगातार 5 साल का जो परफॉर्मेंस है, चाहे लोकसभा का रहा हो चाहे विधानसभा का रहा हो, ये भाजपा की भी टीम घोषित हो गई है, ये सिर्फ सपा को कमजोर करने का काम करती है। जहाँ समाजवादी पार्टी का कोई मजबूत चेहरा जहाँ लड़ता है, ये अपना एक डमी कैंडिडेट उतार देती है। आप देखेंगे जहाँ एक डमी उतार, और सबसे ज्यादा उसमें नुकसान सपा का ही होता है, भले अपने नहीं जीतती है, सपा को हरा देती है, इतना तो काम कर लेती है। सोशल मीडिया पर आपके लिए भावुक अपील करने वाले तैयब पालकी पिछली बार बसपा के सिंबल से चुनाव लड़े थे, ऐसे में आप कैसे? नहीं, बसपा से तो बताएगी कि इधर पिछला 5 साल के बाद का जो उसी के बाद से फिर विधानसभा हुआ, जो उनका जो रिकॉर्ड है बसपा का, जो भाजपा से लड़ने का, जहाँ भाजपा से लड़ने के समय आता है वो नहीं लड़ पाती है, लड़ती तो सपा से ही है, लड़ेगी और लड़के बीजेपी को जितवा देगी, उसका यही रोल। भाजपा आपके सामने कितना मजबूत दिख रहा है, जबकि वो भी शहरी हैं और नए नए चेहरे वो भी आपकी तरह हैं? नहीं, भाजपा इस वक्त जो मजबूत कंडीशन में बहुत नहीं है, मगर लड़ाई देगी, क्योंकि पहली बार इतनी मजबूती से भाजपा की तैयारी से लड़ रही है, क्योंकि एरिया का जो बढ़ा डायमेंशन जो परिसीमन बढ़ी हुई है। हाँ, तो मेरा सवाल यहीं से जुड़ा हुआ है कि परिसीमन जो बढ़ा हुआ है, इससे आपको फायदा कितना है, कितना नुकसान है? क्या आपको केवल MY का ही वोट मिलेगा, या फिर स्थानीय लोगों का भी, स्थानीय सामान्य लोगों का भी वोट? अभी तक तो बिल नहीं, जो परंपरागत वोट हमारे हैं वो तो हम तो पूरा उसको शेयर करेंगे ही, मोस्टली मोर देन 90% हम शेयर करेंगे उसको, और जो मेरे संबंधों का वोट बहुत ज्यादा है, मेरे अपने हर वर्गों में हमारे पास वोट है, हमारा जैसे कि हमारे स्कूल कॉलेज वगैरह हर जगह जहां हम रहे हैं, और 15-20 साल के बीच में हमारा अपना खुद का एक बहुत अच्छा कनेक्शन है, जैसे कि तो इस उस हमारा जो पर्सनल रिलेशन के वोट हमारे बहुत ज्यादा हैं, वो भी हम वोट अच्छा खासा लेंगे। किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है, या फिर क्या क्या मुद्दे हैं? वो 5 मुद्दे आप हमें गिनाएं जो जनता को आप दिखा सके, बता सके कि परंपरागत वोटर के अलावा नए वोटर भी आपसे जुड़े। मैं बताया ना कि हम नई चीज शुरू करने वाले हैं, बताएं। जैसे कि हमने बताया कि डेवलपमेंट, ये 3 चीज तो रहेगा, आप अगर ये 3 चीज नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब कहाँ करेंगे, हमारे पास तो जो बेसिक काम है नगर पालिका का, साफ सफाई, नाली, उसकी इंटरलॉकिंग, zigzag सड़कें, ये सब तो रहेगी। उसके अलावा बताएं कि आपको नगर पालिका में जब से ये परिसीमन बढ़ा है, यहाँ पे ज़मीनें बहुत ज़्यादा पड़ी हैं, जो किसी काम की नहीं है, कहीं बंजर है, कहीं कुछ है, ज़मीनें पड़ी हैं, हम उस ज़मीन को सिग्निफाई कराएंगे, चयनित कराएंगे उसको करके, और उस पर हम लोग अच्छा स्कूल बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट, जैसे केजरीवाल ने बनाया ना उसको,
मैं भी लास्ट टाइम दिल्ली गया था, मैंने देखा दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया था, खासतौर पर स्कूलों में उनके वहाँ बहुत अच्छे अच्छे से प्रोजेक्टर पर पढ़ाई हो रही है और आज अपने टीचर रखे हैं और परिषदीय स्कूल बोला जाता है, जो जो अर्बन एरिया में जो स्कूल है उसको परिषद में भी कितने परिषदीय विद्यालय संचालित हैं। मुझको लगता है कि परिषदीय विद्यालय 66 है यहाँ पे, जो मऊ नगर पालिका परिषद में 66 परिषदीय है। उस 66 में प्राइमरी जोन की बात कर रहा हूँ, पीएस यूपीएस की, और उसमें हमको लग रहा है कि 10 या 12 एडेड है, 56 कह सकते हैं उसको, 55 एग्जैक्ट। यानी कि ये कहा जाए कि अभी तक नगर निकाय चुनाव में शिक्षा को महत्व देने वाले हैं, जो कि मऊ में। अच्छा एक सवाल और भी है कि मऊ नगर निकाय चुनाव में प्रदेश का सबसे ज्यादा पैसा आता है, डेवलपमेंट के नाम पर जो पैसा आता है, जो भी लाइटिंग के लिए पैसा आता है, उस पैसे का ये अधिकतर आरोप ये लगा है कि पैसा यूज नहीं होता है। नहीं, वही बता रहे हैं कि शिक्षा पे किसी ने ध्यान नहीं दिया था। आपके पास जमीनें हैं यहाँ पे नगर पालिका में, अगर आप एक अच्छे तरह से उसको स्कूल बनाएं, CBSE या SCSE पैटर्न में बनाएं, NCERT बुक्स पढ़ाई जाए, नगर पालिका उसको अगर सिर्फ बिल्डिंग बना दे, ट्रिपल पी पे दे उसको, ट्रिपल पी पे ही स्कूल दे दे, बता दे कि भाई 50 रुपया हम बच्चों से लेंगे। आपको लगता है ये आपके अधिकार क्षेत्र का होगा? हाँ, अधिकार क्षेत्र का है, अधिकार क्षेत्र है। आप स्कूल बना देंगे, बिल्डिंग बना दीजिए, नगर पालिका तो बनाती ही स्कूल, अपनी इसकी ज़मीन है, बना लेंगे। और आपके पास अगर जैसे मैं जिस सेक्टर से आया हूँ, जहाँ काम मैं करता हूँ, ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान है। जो चीज़ जाके जो लोग समझते हैं बहुत ऊँची ऊँची जगह, आप लोगों के दुआओं से सब चीज़ें हमें पता रहती है। तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे आप स्कूल बना लिए, अपनी बिल्डिंग बना लिए, बिल्डिंग बनाने के बाद आप ट्रिपल पी मॉडल पर आप दे सकते हैं इसको, और ट्रिपल पी मॉडल पर ही पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट और इस वक्त यूपी गवर्नमेंट भी चल रही है। अभी देखिए मेडिकल कॉलेज है, ट्रिपल पी मेडिकल कॉलेज पे ही बनने जा रहा है। तो अगर आप ट्रिपल पी प्राइवेट पार्टनरशिप उसमें आप नहीं लेके आएंगे तो नहीं हो जाएगी। तो ये चीज़ें मेरे पास प्लान है, अगर हमको मिलता ही जगह तो मैं बता रहा हूँ कि हर वार्ड में आपके पास एक प्राइमरी और उच्च प्राइमरी स्कूल रहेगा जो बेहतरीन शिक्षा देता हुआ रहेगा। वो CBSE और ICSE बोर्ड की तरफ इंग्लिश मीडियम रहेगा, इंग्लिश मीडियम बच्चों। हाँ, ना बच्चों, जो फातमा स्कूल और लिटिल फ्लावर स्कूलों के बराबर हो रहा है। अंत में एक और सवाल, मऊ में अंसारी परिवार का प्रभाव रहा है 25 सालों तक, मुख्तार अंसारी है, उसके बाद उनके बेटे अब्बास का यहाँ पर चयन हुआ। अंसारी का आपके चुनाव में कितना प्रभाव रहेगा, क्योंकि मुझे याद है तैयबपाल की बसपा से जीतने के बाद वो अब्बास के चुनाव में सपा ज्वाइन कर लिए थे। अंसारी का कितना प्रभाव आपके चुनाव में रहेगा, क्या सहयोग उनकी तरफ से है कुछ? देख, मैंने उनको कोई कभी चुनाव में सर्व किया, न वही मुझको किया है। ठीक, मैं पहली बार डेब्यू कर रहा हूँ, चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, और मैं सबसे मैं दुआएं मांग रहा हूँ, आपसे ही दुआएं मांग रहा हूँ। जितने मेरा कहीं भी कैंपेन करने जाता हूँ, मैं सबसे यही कहता हूँ कि भैया मैं आया हूँ के पास, आप अपना आशीर्वाद दे दीजिए, अपनी दुआएं दे दीजिए, बाकी ऊपर वाले हैं, जब यहाँ तक लेके आए हैं तो वो वहाँ भी पहुँचाएंगे जहाँ हम सोच रहे जाने के लिए। तो मुझको तो अपनी दुआओं पर भरोसा है, अपने सुख शिक्षकों पर भरोसा है। और रही बात अंसारी परिवार की, मुझको नहीं लगता है कि वो इधर में जब से मैं राजनीति में चला, उनका कोई मैं प्रभाव ऐसा कुछ नहीं देखा, डायरेक्ट कहीं इंटरफियर रहता है, अफवाह भी बहुत रहती है, कैसे हो गया वैसे हो गया, हमको तो कभी नहीं लगा कि उन्होंने कभी कोई प्रभाव किया, किसी को ज़बरदस्ती की है। अलग अलग सिस्टम से लोग राजी होती है, हर इलेक्शन का एक नया सीनेरियो होता है, चाहे विधानसभा का हो। अब देखते हैं कि इतना बढ़िया परफॉर्मेंस रहता है किसी चीज़ का, पता चला कि विधानसभा में कोई पार्टी क्लीन स्वीप कर दी, फिर लोकसभा में हार गए, या लोकसभा में हारी रहेगी तो विधानसभा में क्लीन स्वीप कर जाएगी। अब देखें लास्ट टाइम राजस्थान और पंजाब में चुनाव में कांग्रेस सरकार बना ली, उसी के जस्ट बाद लोकसभा हुआ, दोनों में पूरा क्लीन स्वीप कर दी बीजेपी। तो अलग अलग सीन में अलग अलग सीनेरियो से इलेक्शन होता है। अब ऐसे मैच होता है ना, हर मैच अलग होता है, पिच वही रहती है, गेंद वही रहती है, खिलाड़ी वही रहते हैं, मगर रिजल्ट अलग अलग आता है। तो इस बार अभी अब तक रिजल्ट अलग देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मुझको पूरा, मुझे उम्मीद नहीं, मुझको इस बात का विश्वास है कि मऊ की जनता मुझसे विश्वास करेगी, एक बार मुझको मौका जरूर देगी कि अगर मैं जो बातें 20 साल से लोग सुन रहे हैं, एक बार मैं नई बात कर रहा हूँ, लोगों के बीच में आया हूँ। टिकट मेरिट थी लोगों की, आप सुनते थे इससे पहले का, जिसको टिकट मिलेगा तो मैं साथ में रहूँगा, सबको था कि मुझको मिल जाएगा, और मेरी बात कोई सीरियस नहीं ले रहा था। मैं कहता देखो टिकट मुझको राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे मिला, टिकट मुझे मिला, तो इसी बार फिर
एक बहुत अच्छे मार्जिन से हम चुनाव जीतेंगे, आप लोगों को दुआओं में। तो चलिए, हमारे साथ है आबिद अख्तर, सपा के उम्मीदवार। चुनावी मुद्दा शिक्षा होगा, निकाय चुनाव में शिक्षा को मुद्दा जहां बनाया है वहीं इन्होंने दुआएं भी मांगी हैं। हालांकि दुआओं का असर कितना होगा ये आने वाला वक्त तय करेगा। तब तक के लिए बने रहे विनय ज्ञानचंद के साथ और देखते रहे हल्का न्यूज़।